आज मैं आपके लिए गाजर की एकदम अलग और एकदम यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ, वो भी एकदम परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ में। और नाम है उसका गाजर कलाकंद। वैसे तो कलाकंद आप सबने बहुत खाया होगा, लेकिन ये जो गाजर कलाकंद है ना, ये जरा हटके है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। गाजर कलाकंद बनाने के लिए मैंने एकदम फ्रेश 1/2 kg पनीर लिया है। अब हमें पनीर को कद्दूकस के मोटे वाले छेद से कद्दूकस करके अच्छे से मैश कर लेना है। तो पनीर को कद्दूकस करके हमने अच्छे से मैश कर लिया है और इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी मतलब कि मॉइस्चर नहीं है। अगर आपको लगता है कि पनीर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर मतलब कि पानी है, तो कद्दूकस करने के बाद आप पनीर को एक कॉटन के कपड़े में बांध कर पहले अच्छे से निचोड़ लें, उसके बाद में मैश कर लें। यहाँ पर मैंने 1 kg बढ़िया लाल लाल गाजर को अच्छे से धोकर और छीलकर कद्दूकस के मोटे वाले छेद से कद्दूकस कर लिया है। अब पैन में ये कद्दूकस की हुई गाजर डालेंगे। गैस को ऑन करके मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और गाजर को बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि गाजर से पानी छूटने लगेगा और जो गाजर का कलर है वो भी हल्का सा चेंज हो जाएगा और गाजर पकते पकते थोड़ी कम भी होने लगेगी। जैसे जैसे गाजर पक रही है वैसे वैसे आप देख सकते हैं कि कम होती जा रही है, इसका कलर भी चेंज हो रहा है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, और गाजर से थोड़ा थोड़ा पानी भी रिलीज होने लगा है। तो ये जो थोड़ा थोड़ा पानी आपको दिख रहा है ना, जो गाजर से रिलीज हुआ है, इसके पूरे सूखने तक हमें गाजर को मीडियम फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए पकाना है। अभी आप देखिए जो गाजर है वो पकते पकते काफी कम रह गई है और अब इसमें बिल्कुल भी पानी यानी कि मॉइस्चर नहीं है। ये मैंने 400 ml के 2 कैन लिए हैं कंडेंस्ड मिल्क के। कंडेंस्ड मिल्क के 2 कैन हम इसमें डाल देंगे। अब गाजर के साथ कंडेंस्ड मिल्क को मिक्स कर देंगे अच्छे से, और कंडेंस्ड मिल्क के साथ में अब हम गाजर को बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि हमने इसमें 2 कैन कंडेंस्ड मिल्क के डाल दिए हैं तो ये तो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा मीठा हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम इसमें पनीर डाल करके मिक्स करेंगे और बाकी की जो चीजें फ्लेवर के लिए हम इसमें डालेंगे वो सब डालकर जब हम इसमें मिक्स करेंगे ना, तो जो इसकी स्वीटनेस है वो एकदम परफेक्ट रहेगी, एकदम बैलेंस हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो मिक्सचर है वो काफी गाढ़ा हो गया है, तो अब हम इसको केवल 5 मिनट के लिए और पकाएंगे और अब हम इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे जिससे कि ये तले में ना लगे। अब जो हमारा ये मिक्सचर है वो थोड़ा और गाढ़ा हो गया है और अच्छे से पक भी चुका है, तो इस स्टेज पर हम गैस को एकदम लो फ्लेम पे कर देंगे और जो पनीर हमने कद्दूकस करके मैश किया था वो इसमें डालेंगे। 1/2 cup मैंने ये मिल्क पाउडर लिया है, इसको डाल देंगे। 1 चम्मच इलायची पाउडर, बारीक कटे हुए काजू और बादाम है 1/4 cup, इनको भी डाल देंगे इसमें। अब सारी चीजों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को अभी एकदम लो फ्लेम पे रखेंगे। सारी चीजें मिक्स हो गई हैं अच्छे से, तो अभी हम गैस को वापस से मीडियम फ्लेम पे करेंगे और ये जो मॉइस्चर दिख रहा है ना आपको इसमें, इसके पूरे खत्म होने तक हमें इसको लगातार चलाते हुए पकाना है। ये देखिए अभी ये जो हमारा गाजर कलाकंद का मिक्सचर है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं कि इसमें अब बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है और इसने पैन के साइड्स भी छोड़ दिए हैं। जब कलाकंद का जो मिक्सचर है वो पैन के साइड्स छोड़ने लगे तो आप समझ जाइए कि जो आपका मिक्सचर है कलाकंद का वो बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब इसको आपको और ज्यादा नहीं पकाना है। तो अभी हम भी गैस को ऑफ कर देंगे। ये एक ट्रे पर मैंने बटर पेपर को लगा दिया है और उसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है, तो इस पर हम गाजर कलाकंद का ये पूरा मिक्सचर डाल देंगे। कलाकंद के इस मिक्सचर को हमें ट्रे में अच्छे से स्प्रेड कर लेना है।
ये मैंने थोड़ी सी पिस्ते की कतरन ली है, इससे हम कलाकंद को गार्निश करेंगे। आप अपनी पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर सकते हैं। थोड़े से केसर को भी हम इस पे स्प्रिंकल कर देंगे तो ये देखने में और खाने में और भी ज्यादा बढ़िया लगेगा। हल्के हाथ से इनको प्रेस कर देंगे तो ये जो पिस्ते और केसर है ना, वो इसमें अच्छे से सेट हो जाएंगे। अब कलाकंद को हम 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखकर अच्छे से सेट कर लेते हैं। गाजर कलाकंद हमारा बहुत ही बढ़िया से सेट हो चुका है। नाइफ को भी मैंने घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है, तो अब हम इसको कट करके इसके पीसेस निकाल लेते हैं। जैसे पीसेस आपको चाहिए वैसे आप पीसेस कलाकंद के कट कर सकते हैं। इसके पीसेस आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से कट हो रहे हैं, और ये गाजर कलाकंद खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है, और ये बहुत ही यूनिक मिठाई है। मार्केट में तो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, और आप इसको इजीली फ्रिज में 10 से 15 दिन तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। ये देखिए कितना परफेक्ट और कितना बढ़िया पीस निकला है गाजर कलाकंद का, और लग रहा है ना देखने में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी। इसका एक छोटा सा पीस भी मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ, तो देखिए कितना बढ़िया और कितना मॉइस्ट, कितना सॉफ्ट हमारा ये गाजर कलाकंद बना है कि बस मुंह में जाते ही ये घुल जाएगा। अब आप इस एकदम यूनिक और टेस्टी टेस्टी गाजर कलाकंद को ट्राई कीजिए और फिर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो जल्दी जल्दी मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जल्दी मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।